हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम लोग इकोलॉजी का हमारा लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और देखिए इकोलॉजी के अंदर आप जानते हैं समझने के लिए तो चार ही लाइनें हैं। उन चार लाइनों में आपके चारों टॉपिक हो जाते हैं क्योंकि हम इसमें बात करते हैं हमारे इंडिविजुअल लाइफ फॉर्म्स के बारे में और इनको पूरे जो एनवायरमेंटल फैक्टर जो जितने भी हैं जो उसको इफेक्ट करते हैं उनके बारे में। अब वो फैक्टर्स जो हैं वो कैसे इफेक्ट करते हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, उसी पर बेस्ड है हमारे ये चारों चैप्टर्स, जिसमें हमें सबसे लास्ट हमारे पोल्यूशन वाले पार्ट में हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए पोल्यूशन जैसे ही वर्ड आपके दिमाग में आता है वहीं पर आपको समझ में आ जाती है कि पोल्यूशन से मतलब है कि वो सभी चीज़ें जो हमारे लिए बेनिफिशियल होती है उन सब के अंदर अनडिजायरेबल कंटेंट का इंक्लूड हो जाना, जिसकी वजह से हमारे ऊपर हार्मफुल इफेक्ट का होना, वही पोल्यूशन है। अब देखिए अब इस चीज को और समझिए। देखिए हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ, है ना। अभी देखिए, हाँ तो देखिए पोल्यूशन, अभी पोल्यूशन ने हमने क्या बोला कि अनडिजायरेबल कंटेंट का बढ़ना। अभी देखिए हमारे लिए जरूरी क्या है, एयर हमारे लिए जरूरी है, है कि नहीं। एयर तो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है ब्रीदिंग के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन जो है मेन हमारे लिए गैस है जो हमारे बॉडी के अंदर हमें बोले ग्लूकोज के कैटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो फॉर्म होती है, जिसका यूज हम डिफरेंट एक्टिविटीज में करते हैं। अब वो हम ही नहीं जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो सभी उसको यूज करती है। एयर के अंदर जब अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स आएंगे तो वो हम पर कई तरीके से इफेक्ट डालेंगे, ठीक है। तो एयर में जब अनडिजायरेबल हम बोल रहे कंटेंट आए तो उसको हमने क्या बोला, एयर पोल्यूशन बोला। फिर आ जाता है वाटर। वाटर जो है वो हमारे लिए मेन कंटेंट है, हमारे लिए ही नहीं जितनी भी बाकी लाइफ फॉर्म्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि वाटर जो होता है अगर हम हमारे अंदर बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर हमारी सेल के अंदर अगर हम बात करें तो मैक्सिमम पोर्शन क्या होता है, वाटर ही होता है। प्लांट्स में तो मेन हम ये बोल रहे हैं कि जो वाटर ही है वही मिनरल के हम बोले ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेन हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूल है। उसी के साथ में अगर वाटर के बारे में बात करें प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी मेन रोल कौन प्ले कर रहा है, वाटर की स्प्लिटिंग ही तो कर रही है। और वाटर की स्प्लिटिंग अगर नहीं होगी तो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज नहीं होगी एनवायरमेंट में, तो हमें ऑक्सीजन यानी कि हमारे एयर में प्रेजेंट गैस वो भी वहां पे क्या होगी, इफेक्ट होगी। यानी वाटर के अंदर जब अनडिजायरेबल कंटेंट इंक्रीज होगा तो वो हमारे ऊपर और हमारे जैसी ही बाकी लाइफ फॉर्म्स के ऊपर कई अलग तरीके से हार्मफुल इफेक्ट डालेगा। तो उसको हमने क्या बोला, वाटर पोल्यूशन। नॉइज, बिल्कुल नॉइज जो है वो हमें एक हम बोलते हैं कि सुटेबल जो होती है रेंज के अंदर ही वॉइस जो है हम उसको हियर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर रेंज उसकी इंक्रीज होगी तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है, पोल्यूशन क्रिएट करती है। नॉइज पोल्यूशन की वजह से हमारी ईयर जो है वो इफेक्ट करते हैं। और ईयर का इफेक्ट होने का मतलब हुआ हमारे होम्योस्टेसिस में इफेक्ट होना, क्योंकि हमारी जो बॉडी का बैलेंस है वो मेंटेन करके रखते हैं ईयर, ठीक है ना। तो वो जो होम्योस्टेसिस है वो भी क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। बैलेंसिंग जो है हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट की वो भी बिगड़ जाएगी आउटर एनवायरनमेंट के साथ में, तो नॉइज पोल्यूशन हमने बोला उसको। फिर हम ये बोल रहे हैं कि सॉइल पोल्यूशन, क्योंकि सॉइल जो है वो प्लांट्स जो हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि वो उसी में ग्रो कर रहे होते हैं और वहीं से मिनरल्स को और हम बोले न्यूट्रिटिव कंटेंट, वाटर, गैसेस, उन सबको वो वहाँ से क्या कर रहे होते हैं, प्राप्त कर रहे होते हैं, है ना, बहुत हद तक। तो हम ये बोल रहे हैं कि सॉइल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों हम ये बोल रहे हैं कि सॉइल जो है, क्योंकि हमारे जो वाटर जो रिसोर्सेज है वो भी सॉइल के ऊपर ही क्या करते हैं, बहते हैं, रेन होती है। तो सॉइल में प्रेजेंट जो हमारे अनडिजायरेबल कंटेंट है वो हमारे वाटर में भी पहुंच जाएंगे, तो एक्चुअल में वो हमारे वाटर रिसोर्सेज जो है उनको भी इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सॉइल पोल्यूशन भी बाकी अनदर जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको भी इफेक्ट कर रहा है, यानी ये सभी चीजें एक दूसरे को भी इफेक्ट करती है, तो सॉइल पोल्यूशन कहलाया। हम इसी तरीके से और भी कई सारे तरह के पोल्यूशन है, जैसे रेडिएशन की वजह से भी पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि रेडिएशन जो है उसमें अगर हम बोल रहे हैं अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो इंक्रीज होती है तो हमारे स्किन कैंसर जो है वो डेवलप हो जाता है, और हमारे हम ही बोलते हैं कि स्किन में एलर्जी जो होती है वो डेवलप हो जाती है। तो रेडिएशन की वजह से भी हम बोल रहे हैं कि हमारे अंदर कई हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, तो वो रेडिएशन जो है रेडियो एक्टिव जो हम बोल रहे हैं कि रेज हैं उनकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, तो वो भी एक तरह का पोल्यूशन हो गया। इसी के साथ में अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे
गैसेस होती हैं, तो कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो कि क्या करती है, हमारे पूरे एनवायरनमेंट के अंदर ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको क्रिएट कर रही है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है. अर्थ का टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो हमारा एयर है, वाटर है, सॉयल है, ये सभी भी क्या होती है, इन चीज़ों में भी चेंजेस आते हैं. तो ये सभी अनडिजायरेबल कंटेंट जो हमारे रिसोर्सेज को इफेक्ट कर रहे हैं, तो उनको हम क्या कर रहे हैं, जब वो उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पोल्यूशन. पोल्यूशन इसलिए बोला गया क्योंकि ये जितने भी अनडिजायरेबल कंटेंट है जिनको हम पॉल्यूटेंट बोल रहे हैं, ये हमें हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं. तो आज के पूरे चैप्टर में हम उन पॉल्यूटेंट के बारे में भी पढ़ेंगे, वो कौन सा पॉल्यूशन फैला रहे हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे, और हम उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे. तो यही है आज के पूरे चैप्टर में, हम इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा करके लर्न करने की कोशिश करते हैं. जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आ जाते हैं पोल्यूशन. तो पोल्यूशन हमने क्या बोला, अनडिजायरेबल चेंज को बोला. अब ये चेंज कैसा भी हो सकता है, फिजिकल चेंज हो सकता है, केमिकल चेंज हो सकता है, बायोलॉजिकल चेंज हो सकता है. ठीक है, किसके अंदर आ रहा है, किसकी फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज, ये जो बायोलॉजिकल करेक्टर है जिनमें चेंज लेके आ रहा है, वो करेक्टर जो है एयर के हैं, वाटर के हैं, लैंड यानी देखिए सॉयल आ गया है, उनके अंदर जो है वो चेंजेस लेके आ रहे हैं, उनकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज आ रहा है, उनके फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है, उनके बायोलॉजिकल कंडीशन में, क्योंकि माइक्रोब्स जो है वो सॉइल का पार्ट होती है, तो माइक्रोब्स की ग्रोथ के अंदर अगर डिफरेंस आएगा तो वहां पे प्रेजेंट न्यूट्रिटिव कंटेंट के अंदर डिफरेंस आएगा, और न्यूट्रिटिव कंटेंट में डिफरेंस आएगा तो सॉइल की क्वालिटी में डिफरेंस आएगा, सॉइल की क्वालिटी में डिफरेंस आएगा तो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे भी वो इफेक्ट करेगा. ठीक है, तो हम ये बोले कई तरीके से पॉल्यूशन जो है वो इफेक्ट करता है. अब देखिए ये हमें डायरेक्टली इफेक्ट भी कर सकता है और इनडायरेक्टली वे में भी इफेक्ट कर सकता है. ठीक है, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, पॉल्यूशन बोल रहे हैं. अब देखिए पॉल्यूटेंट्स किसको बोल रहे हैं, वही कंटेंट, वही हम बोल रहे हैं मटेरियल जो कि हमारे रिसोर्सेज को, एयर को, वाटर को, लैंड को क्या कर रहे हैं कि पॉल्यूशन पैदा कर रहे हैं, या फिर हमें बोल सकते हैं कि उसको इम्प्योर कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट बोलते हैं. अब देखिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 के अंदर. इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट. तो एक्चुअल में एनवायरमेंट को इम्प्रूवमेंट करना है. ठीक है, इस एक्ट के थ्रू. और एनवायरमेंट इंप्रूवमेंट से मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में हमारा एनवायरमेंट जो है वही तो क्या हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है, उसी में तो पोल्यूशन फैल रहा है. एयर क्या है, एनवायरमेंट का ही पार्ट है, लैंड एनवायरमेंट का पार्ट है, सॉइल एनवायरमेंट का पार्ट है, वाटर एनवायरमेंट का पार्ट है, यानी कि जो हमारी इकोलॉजिकल कंडीशंस जितनी भी हैं उन सब को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है. और उन सब में जो भी चीज़ें हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, या फिर हमारी एक्टिविटीज़ के थ्रू ही, क्योंकि पोल्यूशन एक्चुअल में मेन जो, अगर आप देखोगे पोल्यूशन का मेन रीज़न जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही हैं. अब वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली अलग अलग वेज में हो सकती है जिसकी वजह से पोल्यूशन फैल रहा है. ये पोल्यूशन का मेन अगर हम देखेंगे तो वो हम खुद ही हैं, तो हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं इस पोल्यूशन की वजह से. वो अब आप लोग जब पढ़ोगे आगे तो आपको पता चलेगा. वैसे नॉर्मली छोटी छोटी चीजें तो हम लोगों ने पहले भी, आप लोगों ने अपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ी है. टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स के बारे में देखें तो देखो दो तरह के पोल्यूटेंट्स हो सकते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल. नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ जाते हैं एल्यूमिनियम पैक्स आ जाते हैं, मर्क्यूरी कंपाउंड्स आ जाते हैं, ग्लासेस हैं, डीडीटी है, बेंजीन है, बीएचसी है, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स हैं जिनका हम बोलते हैं कि माइक्रोब्स के थ्रू जिनका डिग्रेडेशन नहीं करवाया जा सकता, वो है ये. ठीक है, बायोडिग्रेडेबल में पोल्यूटेंट में आ जाते हैं डोमेस्टिक सीवेज, जैसे कि हमारा जो भी सीवेज होता है, हमारे घर का जो भी पानी गंदा निकलता है उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है. ठीक है, तो वो ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह लगाकर जो है हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, तो वो उसमें बायोडिग्रेडेबल क्यों बोला है, क्योंकि उसमें हम माइक्रोब्स वगैरह यानी लाइफ फॉर्म्स को यूज करते हैं. वुड्स हैं, गार्बेज है, लाइफ स्टॉक वेस्ट है, जो भी हम चारा वारा देते हैं, या फिर हम जो भी जो भी हमारी कचरा है जो भी निकलता है उसका हम माइक्रोब्स के थ्रू उनका डिग्रेडेशन करवा सकते हैं. तो ये वो पॉल्यूटेंट है जिनकी वजह से पोल्यूशन तो होता है बट इनका डिग्रेडेशन पॉसिबल है. प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, फिर अगेन हमारे पास में दो अगेन हमने डिफरेंस किया है. प्राइमरी पोल्यूटेंट किसको बोल रहे हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट में हमारे आ जाते हैं डीडीटी आ जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है जो कि हमारे व्हीकल वगैरह से गैसेस जो निकलती है. डीडीटी जो है वो हम जिसका छिड़काव हम प्लांट्स के ऊपर करते हैं. सेकेंडरी पोल्यूटेंट के अंदर आ जाती है फोटोकेमिकल स्मोक आ जाती है. ठीक है, और उसके अलावा लंदन स्मोक पैन, ये सभी सेकेंडरी पोल्यूटेंट है. एक्चुअल में क्या होता है, जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं
इन सब का फॉर्मेशन। अब सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो है ये एक्चुअल में ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं किससे, प्राइमरी पोल्यूटेंट से, क्योंकि ये एक्चुअल में हमारे प्राइमरी पोल्यूटेंट जो होते हैं जब वो हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर के साथ में मिल जाते हैं देन सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो है उसको फॉर्म करते हैं। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट का फॉर्मेशन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिज्म बोलते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट जो होते हैं वो प्राइमरी पोल्यूटेंट से ज़्यादा हम ये बोल रहे हैं कि हार्मफुल होते हैं। जैसे कि स्मोग, हमने किसको बोला, जो स्मोक होती है, धुआं जो उड़ता है वो, और जो फोग होती है ना, धुंध जो होती है वो, जब आपस में मिक्स हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्मोग बोलते हैं। तो ये एक्चुअल में फोटोकेमिकल जो स्मोग है ये ज़्यादा हार्मफुल होती है, ठीक है, क्योंकि ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। तो इस तरीके से हमने पोल्यूटेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया। इसी तरीके से कुछ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि क्वांटिटेटिव के अंदर आ जाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ये हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस को इफेक्ट डालेगा, ठीक है। क्वालिटेटिव के अंदर आ जाते हैं फंजीसाइड, हर्बिसाइड और डीडीटी वगैरह, जिनका छिड़काव हम जब करते हैं तो ये हमारी सोइल की क्वालिटी को इफेक्ट करती है, और सोइल की क्वालिटी को इफेक्ट करने के साथ में ये वाटर के साथ में प्लांट्स के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है एंड देन फिर वो हमारी फूड के थ्रू हमारे अंदर तक जाती है, जो हमें टॉक्सिक जो है ना इफेक्ट डालती है। तो ये जो है ये क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह जो है ये क्वांटिटेटिव है। नेचुरल पोल्यूशन जो है वो किसके, और एक ऑर्थोपोजेनिक पोल्यूशन भी होता है। तो नेचुरल पोल्यूशन तो जो है उसमें तो आ जाती है, जैसे कि हमारे पैडी फील्ड है, यानी कि राइस जो जहाँ पे ग्रो की जाती है वहाँ मीथेन जो होती है वो वहाँ पे फॉर्म होती है, और कैटल्स जो है या फॉरेस्ट वगैरह, फॉरेस्ट में जो लगने वाली फायर होती है, आग वगैरह लग जाती है उनके अंदर, नेचुरली कंडीशंस हैं ये जिनकी वजह से पोल्यूशन इंक्रीज होता है, क्योंकि फॉरेस्ट में जब फायर लग जाएगी तो ऑब्वियसली बात है कि बर्न होगी वुड, और वुड बर्न होगी तो वहाँ पे जो हमारी अनदर गैसेस हैं ऑक्सीजन को छोड़ के उनकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ेगा, तो वो हमारे एक्चुअल में पोल्यूशन को इंक्रीज करेगा। तो ये नेचुरल कंडीशन है जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। बट ऑर्थोपोजेनिक पोल्यूशन किसको बोलते हैं, जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो पोल्यूशन क्रिएट होता है उसको ऑर्थोपोजेनिक पोल्यूशन हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन क्या क्या है, देखो, पॉइंट सोर्स पोल्यूशन वेयर द इन्फ्लुएंट डिस्चार्ज अकर एट द स्पेसिफिक साइट, कोई एक स्पेसिफिक साइट जहां पर डिस्चार्ज हो, जैसे कि कुछ फैक्ट्रीज लगी होती हैं जिनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो पोल्यूशन क्रिएट करता है। अब फॉर द एग्जांपल के लिए अगर आप लोग देखेंगे, कुछ केमिकल फैक्ट्रीज हैं, मेडिसिन के लिए जो फैक्ट्रीज हैं, या फिर हम बोल रहे कॉटन वगैरह की अगर कोई फैक्ट्री है तो वहाँ पर क्या होते हैं, कॉटन को प्योरीफाई करने के लिए जो है कुछ केमिकल्स जो है उनका यूज़ किया जाता है। फिर हम ये बोल रहे हैं कि अगर कुछ मेडिसिन वगैरह अगर बना रहे हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है कि इस तरह का वेस्ट जो होता है वो बहुत निकलता है। कुछ हम ये बोल रहे हैं कि केमिकल फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं वगैरह जो होता है वो भी एक तरीके से पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन जो उसको इंक्रीज कर रहा है। तो हम ये बोल रहे हैं कि फैक्ट्री आउटलेट और जैसे म्यूनसिपल सीवेज का मतलब ये हो गया कि म्यूनसिपल पार्टी में जो भी 10 15 20 कॉलोनी से जो भी जितना भी सीवेज आ रहा है वो सारे गंदगी जो फैला रहा है पूरा, या फिर बारिश वगैरह हुई तो उसकी वजह से जो कचरा जो हर जगह से इकट्ठा होके आ रहा है तो वो जो एक पर्टिकुलर एरिया में एक पॉइंट एक जगह इकट्ठा हो जाता है उसको हम पॉइंट सोर्स पोल्यूशन बोलते हैं। लाइन सोर्स पोल्यूशन किसको बोलते हैं, ये छोटी छोटी रोड के किनारे किनारे होता है, जैसे रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के आसपास आप देखते हैं ना बहुत सारा कचरा होता है, आप लोगों के रेलवेज के अंदर जो जो टॉयलेट्स बने हैं उसके थ्रू रेलवे लाइन के ऊपर जो हम ये बोलते हैं कि गंदगी फैल जाती है, या फिर आप लोगों ने ही कुछ चिप्स के पैकेट, कुछ बॉटल्स के पैकेट्स जो होते हैं, या फिर आपने पॉलीथीन में कुछ फ्रूट लेके गए तो देन वो पॉलीथीन आपने वहाँ डाल दिया, तो उसकी वजह से जो रेलवे ट्रैक के ऊपर जो है वो पूरी ट्रैक के ऊपर ही आप देखोगे तो पूरी ट्रैक के ऊपर ही क्या होती है, वो कचरा आपको दिखाई देता है। तो एक तो वो आपके टॉयलेट्स वगैरह से भी जो कचरा आपके पूरे प्लेटफॉर्म पर फैला है, रोड्स के साइड बाय साइड भी आपको ये देखने को मिलता है, उसको हम लाइन सोर्स पोल्यूशन बोलते हैं। डिफ्यूज सोर्स पोल्यूशन किसको बोल रहे हैं, इट ओवर ए लार्ज स्केल में होता है, जैसे कि पेस्टिसाइड्स है या फिर फर्टिलाइजर्स जो हैं उनका जब हम यूज़ करते हैं प्लांट्स में, तो देखिए रेन के अंदर जब सॉइल में मिक्स ये फर्टिलाइजर्स ये पेस्टिसाइड्स वगैरह जो हैं ये फैल जाते हैं पूरे एरिया में, और हम ये बोल रहे हैं कि जब हम पूरे पूरे फील्ड में इनका यूज़ में लेते हैं तो बहुत लार्ज स्केल में जो पोल्यूशन जो फैलता है। एरिया सोर्स पोल्यूशन ये वही इंडस्ट्रियल इस्टेट या फिर हम बोलते हैं माइनिंग वगैरह के एरिया के अंदर जो है पर्टिकुलर फैक्ट्री एरिया पर ही क्या है ये हमें जो पोल्यूशन इंक्रीज होता है, जहाँ जिस तरह की फैक्ट्री लगी है वहाँ पे उस पर्टिकुलर तरीके का पोल्यूशन फैला होता है। जैसे कि कोई सिरेमिक की फैक्ट्री है तो वहाँ पे डस्ट वगैरह जो है वो उड़ रही है, या फिर हम बोल रहे हैं कि कुछ माइनिंग वगैरह की जो है वहाँ पर पर्टिकुलर जिस मिनरल को या फिर जिस
मिनरल वहां पे एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, जिस पेट्रोल वगैरह को अगर वहां पे हम क्या कर रहे हैं कि निकाल रहे हैं, तो वहां पर फिर उसकी क्वांटिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वहां का पूरा एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूट हो जाता है, तो उसको हम एरिया सोर्स पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टाइप ऑफ पोल्यूशन है। फिर आ जाते हैं सबसे पहले एयर पोल्यूशन में। अभी देखिए बहुत अच्छा सा चार्ट हम लोगों ने बना दिया है, जिसमें एयर पोल्यूशन के बारे में ऑलमोस्ट सभी चीजें हम लोगों ने लिख दी है। एयर पोल्यूशन किसको बोल रहे हैं? देखिए, अनडिजायरेबल चेंज इन द क्वालिटी ऑफ एयर। अब ये अनडिजायरेबल चेंज क्या होगा? एयर के अंदर जो हमारी गैसेस की कंसंट्रेशन है वो अपनी रेंज से बढ़ जाए। वो भी कौन सी गैसेस? अनडिजायरेबल गैसेस जो है उनकी क्वांटिटी या कंसंट्रेशन बढ़ जाए। अब वो कौन कौन सी है? हार्मफुल गैसेस है हमारे पास में कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, NO2 और हाइड्रोकार्बन्स। ये सभी वो गैसेस है जो हार्मफुल होती है, वो हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस को इफेक्ट डालती है, इनकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो उसको हमने क्या बोला? एयर पोल्यूशन। कुछ स्मोक वगैरह जैसे हैं, या फिर हम ये बोले थर्मल पावर प्लांट जो है वहां से निकलने वाली रेडिएशन वगैरह जो है, तो वहां उसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज होता है। अब ये हमें कैसे इफेक्ट करता है? इंजरी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट डालता है, क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस सभी का परफॉर्म करती है। क्रॉप्स जो है उनकी ग्रोथ के ऊपर भी इफेक्ट डालता है, बिल्कुल एयर पोल्यूशन की वजह से क्रॉप्स जो है वो पूरी की पूरी नष्ट हो जाती है, एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो जाती है एयर पोल्यूशन की वजह से, तो एनवायरमेंटल कंडीशंस का जो इफेक्ट है क्रॉप पे वो भी पड़ेगा, तो उसकी वजह से पूरी की पूरी क्रॉप जो है वो नष्ट हो जाएगी। जैसे फॉर एयर पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन होती है, एयर पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो ये जो है इन सब के इफेक्ट जो है वो ओवरऑल जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं उन सब पे पड़ता है, तो वैसे ही क्रॉप जो है उसकी भी ग्रोथ पे पड़ता है। हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको इफेक्ट करता है, इन्फ्लेमेशन डेवलप कर देता है, हमारे लंग्स को डैमेज करता है एयर पोल्यूशन। ठीक है, अब ये जो है अभी बोल रहे एयर पोल्यूशन जो है वो किसकी वजह से होता है, रीजन क्या है? तो एक तो क्या होता है कि पोल्यूशन पोल्यूटेंट जो है उसकी कंसेंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा उस एरिया का एयर पोल्यूशन होगा। ठीक है, दूसरा जो अगर जहां पे ज्यादा आप देखोगे कि व्हीकल जो है ज्यादा चल रहे हैं, जहां पे ज्यादा हम बोलते हैं कि ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं या फिर ऑटोमोबाइल व्हीकल जो है वहां पे जहां ज्यादा चल रहे हैं, तो वहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि उन ज्यादा जहां पे ड्यूरेशन रहेगा, एक्सपोजर जितना ज्यादा रहेगा पोल्यूटेंट का, वहां पोल्यूशन उतना ही ज्यादा रहेगा। और ऑर्गेनिज्म यानी पॉपुलेशन जहां जितनी ज्यादा होगी पोल्यूशन भी वहां उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि वो पॉपुलेशन ही क्या कर रही है, अपने ही खुद की कुछ हरकतों की वजह से पोल्यूशन को क्रिएट कर रही है। ठीक है, अब देखिए कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो ये है आप क्या कर सकते हो कंट्रोल करने के लिए। एक तो पर्टिकुलर वही स्क्रबर्स जो है वो और इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर्स जो है उसको यूज किया जा सकता है। इसमें क्या होता है स्क्रबर्स के अंदर, इसके थ्रू हम SO2 जैसी गैसेस जो है उनको रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें जो लाइम वाटर जो होता है उसको उसका स्प्रे किया जाता है, जिसकी वजह से जो होती है ये SO2 गैसेस वगैरह जो है वो रिमूव हो जाती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर तो क्या होता है कि कुछ पार्टिकल्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज, उनको क्रिएट किया जाता है, फिर ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल डस्ट पार्टिकल्स या फिर हमारी जो हम ये बोल रहे हैं कि जो हमारे जितनी भी हम बोलते हैं नेगेटिव जो चार्ज क्रिएट कर देता है जो हमारे डस्ट है या पोल्यूटेंट्स है उनके ऊपर, फिर उनको हम क्या करते हैं रिमूव कर सकते हैं पॉजिटिव चार्ज प्लेट के ऊपर उनको कलेक्ट करके, तो उनको रिमूव किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन जो है वो भी किया जा सकता है, एक तरह से छानने वाला काम हो गया ये। ठीक है, देखिए व्हीकल के थ्रू जो पोल्यूशन फैल रहा है वो मेन रोल प्ले करता है एयर पोल्यूशन में, क्योंकि व्हीकल जो होते हैं उनमें एक्चुअल में वही मेन जो है हार्मफुल गैसेस जो है उनको रिलीज करती हैं, यही कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड है इनको रिलीज करने का मेन काम जो है वो व्हीकल का ही है। अब व्हीकल जो है जितने भी उनसे पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं, एक तो क्या कर सकते हैं कि जो ओल्ड व्हीकल है जिनकी वजह से ये हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं उनके यूज को ही रोक दिया जाए। इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं कि ऐसा पेट्रोल यूज कर रहे हैं जिससे सल्फर यानी कि SO2 जो है वो कम रिलीज होती हो, और ऐसा डीजल हम यूज करें, ठीक है, या फिर CNG का यूज करें, तो उसकी वजह से भी जो व्हीकल के थ्रू पोल्यूशन है एयर पोल्यूशन फैल रहा है उसको रोका जा सकता है। और इसके अलावा कुछ कानून हम इस तरह के बनाएं व्हीकल के यूज को लेके, ताकि ये पोल्यूशन कंट्रोल में आए, क्योंकि एक्चुअल में जब तक कोई एक्ट नहीं बनाया जाएगा तब तक ओल्ड व्हीकल का यूज होता रहेगा, या फिर ऐसे व्हीकल जो एयर पोल्यूशन जनरेट कर रहे हैं या फिर नॉइस पोल्यूशन जनरेट कर रहे हैं उनका भी यूज जो है वो बढ़ता रहेगा। ठीक है, फिर इसके अलावा कैटालिटिकल कन्वर्टर्स आर फिल्टर्ड इन व्हीकल, उसमें कैटालिटिकल फिल्टर लगाए जाए व्हीकल के अंदर, जिससे जो एयर या जो धुआं बाहर निकल रहा है वो क्या हो, उसके अंदर पोल्यूटेंट की क्वांटिटी जो है कंसंट्रेशन वो क्या हो, कम हो। ठीक है, अब पोल्यूटेंट के बारे में डिस्कस करें अगर एयर पोल्यूटेंट के बारे में, तो उनमें सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड,
ऑटोमोबाइल जो है स्मोक, उससे जो है कार्बन मोनोक्साइड निकलता है, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है। क्यों? क्योंकि इसकी एफिनिटी हमारे हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होने की ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने की एफिनिटी को ये कम कर देगा, तो यहाँ पे हमारे रेस्पिरेशन प्रोसेस को इफेक्ट करेगा, और यही मेन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको इफेक्ट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड। 200 गुना ज्यादा होती है इसकी एफिनिटी, ठीक है। फिर आ जाते हैं अनबर्न हाइड्रोकार्बन जो है, ये भी हमें कहाँ से मिलते हैं, जो हम फ्यूल, जो लकड़ियां हम जलाते हैं, लकड़ियों के जलाने से ये रिलीज होता है। ऑटोमोबाइल कंपनीज जो है, ऑटोमोबाइल जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं, इन सबसे बिल्कुल उनसे भी निकलता है, और उसके साथ में हमारे व्हीकल जो है उनसे भी निकलता है, इससे लंग कैंसर हो सकता है। एथिलीन ये वही ऑटोमोबाइल से और चिमनी वगैरह से निकलता है, इसकी वजह से पत्तियां गिरती हैं, ठीक है। बर्ड जो है, फ्लावरिंग जो है, ये जो है डिले हो जाती है, ये भी गिर जाती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और NO2 जो है, ये भी वही बर्न होने से रिलीज होने वाली गैसेस हैं। ये एक्चुअल में फोटोकेमिकल स्मोक जो है उसको क्रिएट करती है, एसिड रेन क्रिएट करती है, रेस्पिरेटरी ट्रबल क्रिएट करती है, जिसकी वजह से इम्फाइसीमा, ब्रोंकाइटिस, लंग्स के अंदर स्वेलिंग और लंग्स कैंसर जो है वो डेवलप हो जाता है, ठीक है। सल्फर ऑक्साइड ये जो है, ये हम ऑयल जो ऑयल को जो रिफाइंड कर देने वाली फैक्ट्रीज होती है वहां से निकलता है मेन, और ये एक्चुअल में SO2 पोल्यूशन के लिए इंडिकेटर जो होता है वो लाइकेंस और मोसेस होते हैं, ठीक है। ये वहां पे जहां पे SO2 पोल्यूशन ज्यादा होता है वहां पे लाइकेंस एंड मोसेस जो होती है वो ग्रो नहीं कर पाती है, इसीलिए हम इनको गुड पोल्यू हम बोलते हैं पोल्यूशन इंडिकेटर के अंदर इंक्लूड करते हैं लाइकेंस एंड मोसेस को। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, तो आपको यहाँ पे इसको मार्क कर लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिड रेन भी डेवलप करता है SO2। एसिड रेन क्या है? दिस वर्ड वॉज गिवन बाय द रॉबर्ट अगस्त, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या होता है, NO2 एंड SO2 रिलीज फ्रॉम द डिफरेंट इन द फॉर्म ऑफ स्मोक एंड डिजोल्व इन एटमोस्फेरिक वाटर वेपर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। बारिश के साथ में एसिड का गिरना, इसी को एसिड रेन बोलते हैं। ये एसिड फॉर्म कैसे होती है, जो एटमोस्फेयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वेपर एक्चुअल में है क्या, वाटर मॉलिक्यूल्स ही हैं, ठीक है। तो वो जो वाटर वेपर होती है उसके साथ में मिलकर ये NO2 एंड SO2 क्या बना लेती है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड बना लेती है, जो जिसकी वजह से जो बारिश के पानी के साथ साथ में गिरती है। और ये एसिड रेन जो है ये एक्चुअल में क्योंकि बारिश के साथ में गिरती है, तो इसकी वजह से वही हमारी स्किन एलर्जी, स्किन पे खड्डे पड़ जाते हैं, ये सब चीजें डेवलप हो जाती है एसिड रेन की वजह से। और यही हम बोल रहे हैं कि इफ एसिड कम्स डाउन ऑन द अर्थ विद द रेन, फॉग एंड स्मोक, इट इज नोन एज वेट डिपोजिशन। एक अनदर वर्ड है वेट डिपोजिशन, किसको बोल रहे हैं, एसिड रेन किसको बोल रहे हैं, ध्यान रखो। दिस एसिड कम डाउन ऑन द अर्थ विद द रेन वाटर, दिस इज कॉल्ड एसिड रेन। अगर बारिश के पानी के साथ में आए, हमेशा नहीं, तो उसको हमने बोला एसिड रेन, ठीक है। वेट डिपोजिशन हम कब बोल रहे हैं इसको, कि अगर ये नॉर्मली अगर हम देखें कि कहीं पे भी फॉग है और फॉग के साथ साथ में भी अगर इसके ये हम ये बोल रहे हैं कि एसिड जो है वो अर्थ के ऊपर गिरता है, धरती पे गिरता है या फिर बारिश के थ्रू गिरता है, तो उसको हम वेट डिपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें एसिड रेन भी इसी का ही पार्ट है वेट डिपोजिशन का। पीएच जो होती है वो पीएच कितनी रहती है ऐसी कंडीशन के अंदर रेन की, वो होती है देखिए उसकी रेंज जो रहती है 3.5 to 4 रहती है, ठीक है। और नॉर्मल रेन जो है उसकी पीएच कितनी होती है 5.6, यानी इतनी पीएच जो है वो गिर जाती है, ठीक है। इन एसिड रेन द रेशो ऑफ अगर रेशो देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का और नाइट्रिक एसिड का, तो 7:3 मिलता है। 70% सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो 30% HNO3 नाइट्रिक एसिड रहता है उसके अंदर। ड्यू टू एसिड रेन होता क्या है, सॉइल की एसिडिटी जो है वो चेंज हो जाती है, वो एसिडिक हो जाता है। वाटर जो है वो भी एसिडिक हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता है हमारे लिए। और एसिड रेन जो है ना उसकी वजह से हमारे कई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो है उनको भी इफेक्ट कर रहा है, जैसे कि ताजमहल, रेड फोर्ट, इन सबको भी इफेक्ट कर रहा है एसिड रेन। तो एसिड जो है वो मेन उसका बनना जो है वो उसका रीजन कौन है, एयर पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन जो है उसको क्लीन किया जा सकता है, ये हमने पता है दोनों ही स्क्रबर का यूज करके और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। होता क्या है, वही आपकी जो डर्टी जो एयर है उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है लाइम वाटर का जब स्प्रे करते हैं तो क्लीन एयर जो है निकल जाती है, ठीक है। तो वो स्क्रबर है। और अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स देखें तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कोरोना जो पार्टिकल्स है उनको फॉर्म किया जाता है। कोरोना पार्टिकल्स वो होते हैं जो हाई बोलते हैं कि वोल्टेज वाले, जो हम बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज जो, या फिर हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हाई उसके वोल्टेज वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज, इनको जो है कलेक्ट कर लेते हैं हम लोग एक प्लेट के ऊपर जो पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो इस तरीके से डस्ट पार्टिकल्स को क्या किया जाता है, यहाँ पे फिल्टर कर लेते हैं
जो क्लीन एयर होती है वो हमें मिल जाती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स को यूज करके हम एयर को क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा पेट्रोल एंड डीजल जो है उसकी जगह सीएनजी को यूज किया जा सकता है। सीएनजी जो होती है, एक तो क्या होती है कि सीएनजी जो है वो उसकी जलने की जो एफिशिएंसी होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू डीजल एंड पेट्रोल। बहुत ही सस्ता सोर्स है ये, ठीक है ना। और सीएनजी को बहुत डिफिकल्ट है इसकी चोरी वगैरह होनी सीएनजी की भी। और हम ये बोल रहे हैं कि सीएनजी का यूज जो है वो बेटर है किससे, डीजल एंड पेट्रोल से। दिल्ली के अंदर सीएनजी जो है उसको यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम देखें कि डीजल एंड पेट्रोल जो है वो कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, तो एक्चुअल में डीजल एंड पेट्रोल जो है वो नुकसान इस तरीके से पहुंचाता है कि क्योंकि वो जब जलता है तो जलने से कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसकी जो क्वांटिटी है वो हमारे एयर के अंदर ज़्यादा बढ़ जाती है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही ज़्यादा हमारे व्हीकल जो है उनका यूज़ होगा, और जितना ज़्यादा व्हीकल का यूज़ होगा उतना ही ज़्यादा पेट्रोल एंड डीजल बर्न होगा, जिसकी वजह से गैसेज जो है वो रिमूव होंगी एंड एयर पोल्यूशन को फैलाएगी। उसका मेन रोल, मेन जो हम जो कर सकते हैं उसके लिए, वो यही कर सकते हैं कि एक तो ओल्ड व्हीकल जो ये सब गैसेस रिलीज करते हैं उनका यूज ही बंद कर दिया जाए, ठीक है। या फिर हम क्या करें कि ऐसे पेट्रोल को या फिर डीजल को यूज करें जिसके अंदर सल्फर कंटेंट कम हो, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो कम रिलीज होगा। इसके अलावा हम कैटेलिटिकल कन्वर्टर को यूज कर सकते हैं ताकि जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो व्हीकल से ही हो सके। और इसके अलावा कुछ हमें हमें नॉर्म्स या फिर कुछ इस तरह के एक्ट लाने होंगे जो क्या करते हैं कि हर जगह हर यूज़ में लिए जाएं, जिसके वजह से जो व्हीकल जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है उसको यूज़ में नहीं लिया जाए, ठीक है। तो वो एक्ट जो है वो लागू होने बहुत ज़रूरी है। फिर आ जाता है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन क्या है, वही हमारी जो डिज़ायरेबल साउंड है जो हम सुन सकते हैं उससे ज़्यादा अगर हम बोल रहे हैं कि हाई लेवल का साउंड अगर प्रोड्यूस होता है तो उसकी वजह से जो पोल्यूशन फैलता है उसको हम नॉइज़ पोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। नॉइज़ पोल्यूशन के इफेक्ट क्या क्या है, एक तो देखो एंजाइटी डेवलप हो जाती है, स्ट्रेस होता है, आप देखो चिड़चिड़ापन आ जाता है आपके अंदर, सरदर्द होने लगता है आपको, और फिर हम इमोशनली भी बड़े डिस्टर्ब से हो जाते हैं क्योंकि हमारे मेन मेंटल जो होता है ना उस हेल्थ को ये बिगाड़ देता है। इसके अलावा हमारी जो ईयर ड्रम है उसको परमानेंट डैमेज कर सकता है, तो सुन नहीं सकते हम लोग। ईयर ओसिकल्स जो होती है उसका डिसोल्यूशन हो सकता है इसकी वजह से। फिर हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, अचानक से तेज आवाज़ सुनते हैं तो ऐसा नहीं होता, हमारी हार्ट बीट जो होती है एकदम से बढ़ जाती है, तो यानी हमारे हार्ट ब्लड का फ्लो जो उसको भी इंक्रीज कर देता है ये। और नींद जो होती है ना उसमें भी कमी लेके आती है कि हम तेज साउंड अगर आप सुनते हो, हमारे इंटरनल बैलेंस जो होता है ना उसको बिगाड़ देता है ये नॉइज पॉल्यूशन। कंट्रोल कैसे कर सकते हो भाई, कंट्रोल करने के लिए ये कि लाउड स्पीकर जो है इसका यूज़ कम हो, एक टाइमिंग है फिक्स कि उस टाइमिंग के बाद में रात को लेट नाइट जो है वो लाउड स्पीकर्स जो है वो यूज़ में ना आए। पटाखे वगैरह जो इतना ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन फैलाते हैं उनका यूज़ कम हो, ठीक है। इसी के साथ में आप क्या कर सकते हो कि हॉस्पिटल एरिया है या फिर ऐसा एरिया जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे हॉर्न का यूज़ जो है वो कम हो, रेस्ट्रिक्टेड हो, या फिर हमें बोल सकते हैं कि यूज़ ही ना हो, ठीक है, उसको यूज़ करना बंद कर देना चाहिए। और इसके अलावा ऐसे हमारे ऑक्यूपेशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट होती है, जैसे कुछ फैक्ट्रीज वगैरह में बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट होती है, तो वहाँ पे आप कॉटन प्लग का यूज़ करें ताकि जो नॉइज़ पोल्यूशन है उसका इफेक्ट आपके ऊपर ना हो, ठीक है। फिर मेजर पोल्यूशन में एक और आ जाता है, वो आता है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड जो हम बोल रहे हैं एक्ट आया है, वो आया 1974 के अंदर, जिसके तहत हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर जो पोल्यूटेंट्स है या वाटर को पोल्यूशन, वाटर को पोल्यूट करने वाली जो भी हम बोलते हैं कि एक्टिविटीज़ हैं उनको कंट्रोल किया जाए और वाटर को प्योरीफाई भी रख किया जाए, उसको प्रिवेंट किया जाए, वाटर में पोल्यूटेंट की जो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है जिन रीजन से हो रही है उनको कंट्रोल किया जाए, तो उसके लिए जो एक्ट आया है वो एक्ट आया 1974 में, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज के हम ये बोल रहे हैं कि उसके सेफ गार्ड के लिए, उसको बचाए रखने के लिए जो है जो एक्ट आया उसको हम वाटर के लिए हम बोल रहे हैं कि प्रिवेंशन के लिए जो एक्ट है वो 1974 में आया। अब देखिए कौन कौन से ऐसे हम बोल रहे हैं कि पोल्यूटेंट्स हैं जो वाटर के अंदर पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो देखिए उसमें आ जाता है डोमेस्टिक सीवेज और इंडस्ट्रियल। अब देखो इंडस्ट्रियल के हम बोल रहे हैं कि इंडस्ट्रीज जो हम बोलते हैं कि लगी होती हैं उनका बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो वाटर के अंदर ही उसको छोड़ दिया जाता है सीधे ही, उसके ट्रीटमेंट के लिए कोई प्लांट नहीं लगा रहता, इसकी वजह से सीधे सीधे हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो इफेक्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा जो डोमेस्टिक सीवेज है अगर उसको भी
कनेक्ट कर दिया जाता है हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनसे, तो हमारा वाटर जो है वो क्या हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है। रीजन क्या है आखिर हमारे सीवेज के अंदर या फिर इंडस्ट्रियल जो हमारे इन्फ्लुएंस निकल रहे हैं उनके अंदर ऐसा क्या कंटेंट होता है जिसकी वजह से वाटर जो है वो पोल्यूट हो जाता है? तो देखिए इसके अंदर एक्चुअल में इम्प्योरिटीज होती हैं, जो हमारा वेस्ट वाटर होता है उसमें 0.1%, फिर इसके अलावा सस्पेंडेड सॉलिड जैसे कि सैंड है, जो क्ले वगैरह है, मिट्टी वगैरह होती है, वो सभी उसके अंदर सॉलिड उसमें प्रेजेंट होते हैं। कोलोइडल मटेरियल्स होते हैं जैसे फिकल मटेरियल है, बैक्टीरियाज है, कागज के टुकड़े हैं, कपड़ों के टुकड़े हैं, वो उसमें प्रेजेंट रहते हैं। फिर हम ये बोल रहे हैं कि डिजॉल्व मटेरियल जैसे न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रेट है, अमोनिया है, फॉस्फेट है, सोडियम, हम ये बोल रहे हैं कि सोडियम है, ये सब सोडियम क्लोराइड है, ये सभी क्या है कि ये इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज रहती है किसके अंदर, वेस्ट हमारे बोलते हैं मटेरियल के अंदर, जो कि हमारे लिए इतने यूजफुल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हम ये बोले 99.9% वाटर है तो उसमें 0.1% जो है इम्प्योरिटीज़ है, और उस इम्प्योरिटीज़ की ये सब चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन फैलता है, ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन जो है वो एक्चुअल में किस तरीके से इफेक्ट करता है कि अगर सॉलिड पार्टिकल्स की क्वांटिटी इंक्रीज होगी वाटर के अंदर, अगर हम ये बोल रहे हैं कि कोलाइडल सब्सटेंस है उनकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी वाटर के अंदर, तो होगा क्या कि वाटर के अंदर खुद के अंदर ऑक्सीजन जो लेवल है वो कम होगा, ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो वहां पे प्रेजेंट बायोलॉजिकल यानी कि हमारे जो लाइफ फॉर्म्स है वो भी क्या हो जाएंगे, कम होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है मेन गैस है जो कि किसी भी लाइफ फॉर्म के सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या करते हैं ये सभी चीज़ें जो हैं जितने भी पोल्यूटेंट है वाटर पोल्यूटेंट, वो एक्चुअल में बायोकेमिकल ऑक्सीजन जो डिमांड होती है उसको कम कर देते हैं, ठीक है। और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो ऑक्सीजन डिमांड जो होती है उसको बीओडी लेवल को बढ़ा देते हैं, ठीक है, इंक्रीज कर देते हैं ऑक्सीजन की सप्लाई, वहां पे ऑक्सीजन कम हो जाती है, कोलोइडल सब्सटेंस जो है वो वहां पे क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। द अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर कैन बी एस्टिमेटेड बाय द मेजरिंग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी के थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अभी देखिए ये एक चार्ट आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, अगर सीवेज डिस्चार्ज वाटर के अंदर इंक्रीज होगा, ये देखिए वाटर जो है क्या है, डिस्चार्ज जो है वो इंक्रीज हुआ है, जब इसकी कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज होगी तो आप उसके अंदर देखोगे जो बीओडी का जो लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, उसकी ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। डिमांड कैसे बढ़ जाएगी, क्योंकि कोलोइडल सब्सटेंस वाटर के अंदर से ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को कम कर देंगे, कंसंट्रेशन कम होगी तो और एनिमल जो है या फिर प्लांट स्पीशीज हैं वो ज़्यादा है, तो उनके लिए ऑक्सीजन जो है पर हम ये बोले कि लाइफ फॉर्म पर एनिमल या पर प्लांट जो है ऑक्सीजन की जो ऑप्टिमम रेंज जो उनको सप्लाई होनी चाहिए वो सप्लाई नहीं होगी, तो उनकी ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो बढ़ेगी। ऑक्सीजन की जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, वही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हुई तो इसकी इंक्रीज होने की वजह से क्या कंडीशन होगी, इसकी इंक्रीज होने की वजह से प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर या फिर हमें बोलते हैं प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी, प्रॉपर डिफ्यूजन नहीं होगा गैस का एनी लाइफ फॉर्म के अंदर, तो उनकी जो भी लाइफ फॉर्म है यानी कि एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं या फिर प्लांट्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो और अगर हम ये बोल रहे हैं कि जो डिक्रीज होता है, अगर सीवेज अगर उसको डिक्रीज किया जाता है, डिक्रीज होता है सीवेज जो पोल्यूटेंट्स हैं वो पोल्यूटेंट अगर कम हो तो वो पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन अगर कम होगी तो ऑक्सीजन जो है डिसॉल्व ऑक्सीजन उसकी क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसकी क्वांटिटी जब इंक्रीज हो जाएगी तो बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि कोई देखिए फॉर द एग्जाम्पल के लिए कि आप अगर चार लोग हैं और चार लोगों के बीच में आपको 2 5-star बांटनी है तो क्या हो गया, चार लोगों के बीच में 2 5-star है तो 5-star की डिमांड क्या है, बढ़ गई है, क्योंकि 5-star की क्वांटिटी कम है, ठीक है। अगर यही मेरे पास में 4 5-star रहे और 4 ही लोग हैं तो क्या हो जाएगा, क्योंकि सबकी डिमांड जो है वो कम रहेगी, क्योंकि सबको एक 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 अपने आप जितनी क्वांटिटी में उनको चाहिए तो उन सबको एक 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 5-star मिल जाएगी तो वो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन डिसॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा होगी, कब होगी ज्यादा, जब सीवेज कम होगा, सीवेज यानी वाटर पोल्यूटेंट कम होंगे, वाटर पोल्यूटेंट कम से डिसॉल्व ऑक्सीजन बढ़ेगी तो ऑक्सीजन बढ़ने से क्या हो जाएगा, उनकी बीओडी का लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बीओडी उसकी ज्यादा होती है जो वाटर जितना ज्यादा पोल्यूट होता है, बीओडी उसकी कम होती है जो वाटर जितना ज्यादा प्योर होता है, ठीक है। और जितना प्योर बीओडी कम होगा तो वहां पे जो एनिमल जो स्पीशीज है या फिर प्लांट स्पीशीज है जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाएंगे, रीअपीयर हो जाएंगे और वो क्लीन वाटर के अंदर रहेंगे। फॉर और एग्जांपल अगर आप समझे, जैसे कि सीवेज एरिया जो होता है या फिर वो सीवेज मटेरियल जहाँ ज़्यादा ग्रो करता है वहाँ पे कुछ प्लांट्स भी ऐसे होते हैं जो ग्रो ज़्यादा करते हैं, जैसे कि वाटर हाइसिंथ है वो ज़्यादा ग्रो कर रहा है,
वाटर हाइसिन जब ज्यादा ग्रो करेगा तो वो ऑक्सीजन जो है उसको खुद यूटिलाइज कर लेगा, प्रॉपर क्वांटिटी में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी फिशेस को, तो फिशेस की वहां क्या होने लग जाएगी, डेथ होने लग जाएगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। यानी कुछ एलियन स्पीशीज जो होती है वो भी क्या करती है, बीओडी लेवल जो होता है उसको क्या कर देती है, बढ़ा देती है। ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब जैसे इंडस्ट्रियल, ये क्या होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, वाटर जो होता है वो क्योंकि उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस ज्यादा होते हैं, चूंकि उनके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस ज्यादा होते हैं तो क्या होगा, जब उनके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस ज्यादा होंगे तो ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे। किसके अंदर एक्यूमुलेट होंगे, हम ये बोल रहे हैं कि वाटर के अंदर ये इकट्ठे हो जाएंगे। जब ये वाटर के अंदर जो इकट्ठे हो जाएंगे तो होगा क्या कि जो एनिमल स्पीशीज हैं उन सबको या फिर प्लांट स्पीशीज हैं उन सबको जो है ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, और ऑक्सीजन की जब सप्लाई उनको कम होगी तो वो फूड चेन जो होती है या जो हमारे ट्रॉपिक लेवल है जो एक्वेटिक एनवायरमेंट में चल रहे हैं उनको वो इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये एक्वेटिक जो फूड चेन चल रही होती है उसको डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन जो है वो उसकी वजह से क्या होता है, डेवलप होता है। ठीक है, इंक्रीज कंसंट्रेशन टॉक्सिकेंट्स इन एक्वेटिक फूड चेन, वो जब इंक्रीज होते हैं तो उसको हम बोलते हैं बायो मैग्निफिकेंस, क्योंकि वहां पे वाटर के अंदर टॉक्सिक जो कंटेंट है उनकी अमाउंट इंक्रीज हुआ। जब वो अमाउंट इंक्रीज होगा तो वो टॉक्सिन सब्सटेंस जो है वो हम ये बोलते हैं कि क्योंकि एक्यूमुलेट हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर भी, कई बार ऐसा होता है कि वो जब ऑर्गेनिज्म में इकट्ठे हो जाते हैं और उसको जब किसी कोई और अनदर एनिमल या यूज में लेता है तो वो उस एनिमल में भी क्या हो जाते हैं, टॉक्सिन सब्सटेंस जो है वो क्या हो जाते हैं, वहां पे उसको पास हो जाते हैं। जब वो उसके अंदर पास हो जाते हैं तो उसकी वजह से क्या होती है, हम ये बोलते हैं डिजीज जो होती है वो बढ़ती है। ठीक है, डिजीज जो है आगे पास होती है तो वो एक्चुअल में एक्वेटिक फूड चेन को डिस्टर्ब करती है। तो पोल्यूटेंट का किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्यूमुलेट होना वही क्या है, बायो मैग्निफिकेशन है, जो कि एक रीजन है किसका, वाटर पोल्यूशन का। ठीक है, तो ये हो गया आपका बायो मैग्निफिकेशन। जैसे कि फॉर द एग्जांपल डीडीटी, डीडीटी जो है वो ज्यादा मात्रा में जब यूज में आएगी तो होगा क्या, डीडीटी वाटर के अंदर बढ़ रही है, वाटर के अंदर बढ़ेगी तो वो जू प्लैंकटोन्स के अंदर एक्यूमुलेट होगी, जू प्लैंकटोन्स को स्मॉल फिशेस खाती है तो उनके अंदर 0.5 ppm जो है वो क्वांटिटी में डीडीटी जो है वो एक्यूमुलेट हुआ, फिर उनको लास्ट फिशेस खाएंगी देन ये कंसंट्रेशन बढ़ा 2 ppm आ गया, देन उनको जो ईटिंग फिश को खाने वाली जो बर्ड्स जब उनको खाएंगी तो उनके अंदर कितना हो गया, 25 ppm हो गया ना। तो ये देखो ये जो है क्वांटिटी जो है डीडीटी की वो क्या होती जा रही है फूड चेन के अंदर अगर आप देखोगे तो बढ़ती जा रही है ना, क्योंकि सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो एक्यूमुलेशन जो है वो जब डीडीटी का बढ़ रहा है वाटर में बढ़ा तो वो बाकी जितनी भी लाइफ फॉर्म्स है जो उस फूड चेन के अंदर कनेक्टेड है एक दूसरे से उनके अंदर भी उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हुई, उसी को हमने बोला क्या, बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो बायो मैग्निफिकेशन जो है वो डेवलप हो जाएगा वाटर पोल्यूशन की वजह से। दूसरा आ जाता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन किसको बोलते हैं भाई, सीवेज जो एग्रीकल्चर वेस्ट है या फर्टिलाइजेशन जो है अगर उसको हम हमारी जो भी आसपास की जो वाटर बॉडीज हैं उनके अंदर अगर उसको फेंक देते हैं तो होगा क्या, वो जो वहां पे प्रेजेंट हम बोलते हैं कि फाइटोप्लैंक्टोन्स होते हैं, कुछ एल्गी होती है जिनके लिए वो एनवायरमेंट सुटेबल है, उनकी ग्रोथ जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब उनकी ग्रोथ बढ़ी, एल्गी की ग्रोथ बढ़ी तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम बोलते हैं। जब एल्गी की ग्रोथ बढ़ेगी तो होगा क्या, एक तो वाटर जो है उसका कलर चेंज हो जाएगा, दूसरा क्या होगा वहां पे ऑक्सीजन जो है उसको वो खुद क्या होंगे, यूज में लेंगे, तो दूसरे जो एनिमल या फिर प्लांट स्पीशीज है जो एक्वेटिक होती है उनको प्रॉपर सप्लाई ऑक्सीजन की नहीं होगी। जब ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई उनको नहीं होगी तो उनकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। तो डिक्रीज हो जाएगी ऑक्सीजन सप्लाई जो भी वाटर के अंदर प्रेजेंट लाइफ फॉर्म्स है उनको, और उसकी वजह से क्या हो जाएगी, एक्वेटिक एनिमल्स है उनकी डेथ हो जाएगी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, यूट्रिफिकेशन बोल रहे हैं। ठीक है, ये भी वाटर पॉल्यूशन जो है उसी का ही एक मेन कारण है। अब इसका क्या किया जा सकता है, उसको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वाटर का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो उसके लिए दो मेथड है, एक है कन्वेंशनल मेथड और दूसरा है इनकन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं या फिर क्लोरीन के साथ में ट्रीटमेंट करते हैं, फिल्टरिंग करते हैं, जिसकी वजह से रिमूव कर सकते हैं हम लार्ज ऑर्गेनिक मटेरियल्स को, कोई भी माइक्रोब है या फिर कुछ हम ये बोल रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं जो कि वाटर के अंदर डिजोल्व है, तो उनको फिल्ट्रेशन करवा के सेडिमेंटेशन, तो जो भी जो ज्यादा जिनकी हम बोलते हैं डेंसिटी ज्यादा होगी वो बैठ जाएंगे, तो सेडिमेंटेशन के थ्रू, और फिर क्लोरीन से हम क्या करते हैं, ट्रीट करवा के वाटर को प्योर कर सकते हैं। नॉर्मली आप देखते हैं ना कि जो स्विमिंग पूल वगैरह होते हैं वहां पे क्लोरीन जो है वो उनमें प्रेजेंट होता है। रीजन क्या होता है कि उनमें जो माइक्रोब्स की
जो है ग्रोथ जो बढ़ जाती है जिसकी वजह से स्किन एलर्जी वगैरह डेवलप हो सकती है, तो उनको कंट्रोल किया जा सकता है, तो उसको हम कन्वेंशनल मेथड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में इनोवेटिव अप्रोच भी जो है वो यूज की जा सकती है। इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर हम कुछ माइक्रोब्स को यूज करते हैं जो वाटर में प्रेजेंट जो डिग्रेड बायोडिग्रेडेबल कंटेंट है उनको क्या करता है, उनका डिग्रेडेशन करवा देता है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो प्योर हो जाता है। तो ये वाटर प्योर जो वाटर है ना उसको यूज किया जा सकता है। तो ये यूज किया जाता है किसके थ्रू, बैक्टीरिया एल्गी फंजाई जो है ना इन सब की थ्रू डिग्रेडेशन करवा के हम वाटर को प्योर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं सॉलिड वेस्ट के बारे में। सॉलिड वेस्ट जो है वो कई तरीके के वेस्ट होते हैं जो कई अलग 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 हमारी हम बोलते हैं एक्टिविटीज के थ्रू जो है जनरेट हो रहे हैं, जैसे कि म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, ये जो हमारे घर से निकलने वाला कचरा है, ऑफिस से निकलने वाला कचरा है, या हमारी दुकानों से निकलने वाला कचरा है, स्ट्रीट पे पड़ा हुआ कचरा है जो हम फेंक देते हैं, ये सभी वो कचरा है जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट होता है, जो सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में आता है, जो हमारे सॉइल को पोल्यूट करता है, ठीक है, हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट जो आता है इंडस्ट्री के अंदर, अब कोई कपड़े बनाने की फैक्ट्री है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े कई सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ऊन बनाने की फैक्ट्री है तो ऊन का कचरा इकट्ठा हो जाता है, अगर आप सिरेमिक की फैक्ट्री देखोगे तो वहां सिरेमिक के पत्थरों के टुकड़े जो है वो वहां पे डस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है और पूरे एयर को जो है वो पोल्यूट कर देती है। तो इस तरीके से वेस्ट जैसे भी जिस की फैक्ट्री लगी है उनके खुद के सॉलिड जो होते हैं वो वहां पे उस फैक्ट्री के चारों तरफ आप देख पाओगे, वो सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में आ रहा है। माइनिंग वेस्ट जो आता है उसमें माइन डस्ट आ जाती है, तो वहां पे माइन के थ्रू निकलने वाला जो भी हम बोलते हैं कि प्योरिफिकेशन के थ्रू निकलने वाला जो भी कचरा है वो सभी जो है वो सॉलिड वेस्ट में आता है। इसके अलावा हम ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं जैसे मोबाइल है, टेलीविजन है, रेडियो है, जो वापस से रिपेयर नहीं होते, तो इस तरीके से इनका भी क्या होता है, एक हम बोलते हैं कि सॉलिड जो है ना वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, डंप यार्ड के अंदर अगर इन सबको क्या किया जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है। उसके अलावा हॉस्पिटल वेस्ट के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, अब सिरिंज है, सिरिंज को यूज किया तो कई सारी सिरिंज जो है उसका कचरा इकट्ठा हो गया, वो सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में आ गया। इसके अलावा कॉटन जो यूज में आ रही है, बैंडेज जो यूज में आ रही है, वो सभी भी क्या है, उसी का कचरा है। हैंड ग्लव्स यूज में लिए तो वो हैंड ग्लव्स है, या फिर क्लॉथ अगर कोई चीज ये हम बोलते हैं ना कि टॉवल्स वगैरह जो यूज में आ रहे हैं वो टॉवल्स वगैरह जो है ये सभी क्या है हॉस्पिटल वेस्ट के अंदर आ जाते हैं। तो ये सभी चीजें क्या है, ये सॉलिड वेस्ट के अंदर आती है। इन सॉलिड वेस्ट को जो है ये इसको क्या किया जा सकता है, इनको हमें एक ऐसा लैंड लेकर जहां पे हम इसको इकट्ठा कर सकते हैं, वहां इकट्ठा करके हम क्या कर सकते हैं कि इस वेस्ट को जो ये फैल रहा है और जो अनदर दूसरे पोल्यूशन को फैला रहा है तो उसको रोक सकते हैं। लेकिन ये सारा का सारा वेस्ट अगर हम किसी एक जैसे लैंड पे अगर हम इकट्ठा करते हैं तो भी अब तो क्या है ये भी एक प्रोसेस जो है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि अब एरिया हमारे पास में इतना कम है और वो एरिया अगर इन्हीं से फिल हो जाएगा, भर जाएगा, तो फिर हमारे रहने के लिए जगह नहीं बचेगी, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें कुछ इस तरह के प्रोग्राम चाहिए कि हम इनको या तो रीयूज कर सकें या फिर हम इनका डिग्रेडेशन करवा सकें, ताकि फिर क्या होगा उसकी वजह से ये सॉलिड वेस्ट जो है वो क्या होंगी, इनकी क्वांटिटी कम हो सकेगी, ठीक है। तो या तो हम क्या कर सकें, इसको किसी एरिया में इकट्ठा करें, या फिर हम इनको जला दें, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम इनका खाद वगैरह बनाने में, बायोगैस वगैरह बनाने में, फॉर्मेशन में जो है इनका यूज कर सकें, ठीक है। तो सॉलिड वही है, इसका दूसरा एक और मेथड रीसाइक्लिंग, जो मैंने आपको बोला कि रीसाइक्लिंग भी एक मेथड है सॉलिड वेस्ट जो है उसको कम करने का। इसके अलावा देखिए बायोडिग्रेडेबल, रिसाइकेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, तीन तरह के हमारे पास में सॉलिड वेस्ट आ जाते हैं। वेस्ट मटेरियल जिनको हम ये बोल रहे हैं कि ब्रेक डाउन करवा सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, या फिर हीट के थ्रू, या फिर ऑक्सीजन गैस के थ्रू, उनको बायोडिग्रेडेबल में रखते हैं। रीसाइकिल में वो आते हैं जिनका वापस से रीयूज किया जा सकता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल में वो आते हैं जिनको एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, क्लाइमेटिक कंडीशन, सॉइल, किसी के भी थ्रू जिनका डिग्रेडेशन पॉसिबल नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर रखते हैं, ठीक है। अब देखिए बायोडिग्रेडेबल के अंदर मटेरियल के अंदर देखें तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको मिट्टी के अंदर हम इसको गहराई में दबाकर हम इनका बायोडिग्रेडेशन करवा सकते हैं, ठीक है। रीसाइक्लेबल का तो हम क्या कर सकते हैं कि उसको या तो उसी से कुछ और चीज़ें बनाई जाए, जैसे पॉलीथीन वगैरह जो है, पॉलीथीन से को वापस से यूज़ करने के लिए पॉलीबेन वगैरह जो है उसको यूज़ किया जाए, जिसको सड़क वगैरह बनाने में काम में लिया जाता है, ठीक है। बेंगलोर के अंदर ऐसा एक केस भी आया है 2002 के अंदर, ठीक है ना, पॉलीबेन उसने बनाया, बिटुमिन के साथ में उसको मिक्स किया, तो उसकी वजह से जो हमें केमिकल मिला उससे रोड जो है वो बनाई गई 40 किलोमीटर से भी ज़्यादा, तो वो रिसाइकलेबल हो गया, ठीक है प्रोसेस।
और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है ये तो एक्चुअल में इनको हम मिट्टी के अंदर दबा कर को ही हम क्या कर सकते हैं, इनको नष्ट कर सकते हैं, इनकी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं, ठीक है। अब बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में क्या है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट आता है, ह्यूमन वेस्ट आता है, मैनुअर आता है, सीवेज आता है, ठीक है, घर से निकलने वाला हमारे कचरा जो है वो आता है, रिसाइकलेबल में हमारे पास में देखो कबाड़ी वाला जो हमारे लेके जाते हैं जिसके अंदर वो सेपरेशन करते हैं रिसाइकलिंग प्रोसेस के अंदर, कांच की बोतल वगैरह है, प्लास्टिक के डब्बे हैं, आजकल तो पेंटर्स जब घरों में पेंट करते हैं तो उसके भी जब डब्बे वगैरह बच जाते हैं उनको भी बाल्टी के तौर पे घर में यूज़ कर लिया जाता है, कुछ कांच की बोतल वगैरह होती है उनको भी वापस से क्या किया जाता है, वापस से जार वगैरह के रूप में उनको वापस से यूज़ कर लिया जाता है। तो ये जो है उनको रिसाइकलिंग प्रोसेस में डालने का काम जो है वो हमारे कबाड़ी वाले कर देते हैं, ठीक है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल में तो हमारे प्लास्टिक बैग्स वगैरह जो हैं वो आ जाते हैं, बॉटल्स आ जाती हैं, टीन के डब्बे आ जाते हैं, तो ये जो है इनका डिग्रेडेशन पॉसिबल नहीं है, इसको रीयूज किया जा सकता है, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में, वही इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर एक्चुअल में हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं या फिर हम बोल रहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जिसमें रेडियो आ गया या फिर हमारे मोबाइल फोन्स वगैरह आ गए जो दोबारा से रिपेयर नहीं हो सकते, तो उनसे जो वेस्ट इकट्ठा हो रहा है उस वेस्ट को जो है ना हम क्या बोल रहे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की कैटेगरी में रख रहे हैं। ये भी सॉलिड वेस्ट ही है हमारे पास में एक तरीके से। इसको कैसे खत्म किया जाए, या तो हम इसको वही जमीन के अंदर दबा के इसको नष्ट कर सकते हैं या फिर इसके रिसाइकलिंग कर सकते हैं। रिसाइकलिंग इनमें प्रेजेंट कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, निकल, गोल्ड जो है ना इनको हम क्या कर सकते हैं, इनका रिसाइकिल करना पॉसिबल है, ठीक है। फिर आ जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट किसको बोलते हैं कि अगर कुछ ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और CFC जो हमारे फ्रिज वगैरह से निकलती हैं और N2O, ये जो है एक्चुअल में ये वो गैसेस हैं जो क्या करती हैं, जिनकी कंसंट्रेशन जब हमारे अर्थ पे इंक्रीज होती है तो एक्चुअल में जो वो हीट होती है ना, जो सनलाइट से जो हीट आ रही है, वो हीट जो होती है वो वहीं पे क्या होती है, हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर होता है उसको इंक्रीज कर देती है। इस गैसेस की वजह से, रेडियो एक्टिव गैसेस की वजह से हमारे एटमोस्फियर जो होता है उसका जो उसमें जो हीट होती है वो वहीं उस अर्थ के ऊपर हीट जो है वो क्या करती है, ज़्यादा क्वांटिटी में आती है, जिसकी वजह से अर्थ जो है उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये एक्चुअल में ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न होती है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसकी वजह से, इन गैसेस की वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। एटमोस्फेरिक जो है वो गैसेस जो है जो हमारे एटमोस्फेयर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। चलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब हो गया कि ग्रीन हाउस गैसेस जब हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करवाती है उसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, N2O, ये जो है ये क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसेस है जिसका मेन रीजन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ा देती हैं हमारे अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे, डे बाय डे जो है वो इंक्रीज हो रहा है। रीजन क्या है, इन ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट है, ठीक है। ये ग्रीन हाउस गैसेस निकलती कहाँ से है, ये हमारे फ्रिज से, हमारी व्हीकल से, इन्हीं सबसे निकलने वाली गैसेस हैं, जिनका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो हमारा जो अर्थ है उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। कैसे, सूरज है उनसे क्या हो रही है, सोलर रेडिएशंस आ रही हैं, कुछ पोर्शन तो क्या हो जाता है कि वो तो क्या हो जाता है, वापस से रिफ्लेक्ट हो जाता है और बाकी जितना भी है वो अर्थ के ऊपर क्या हो जाता है, गिरता है, जिसमें आधा तो क्या हो गया, उसको अर्थ का टेम्परेचर जो है उसको इंक्रीज करने में काम आ रहा है और कुछ रेडिएशन जो है वो हमारी एटमोस्फेयर गैसेस जो क्या कर लेती है, उसको अब्सॉर्ब कर लेती है, ठीक है। अब देखिए ये गैसेस जो है जो हमारी हम बोले कि जो अर्थ की सरफेस पे जो गिर रही है वो क्या हो रही है, जो हमारी गैसेस है उन्होंने वापस से क्या किया, उनको वापस से हमारे अर्थ के ऊपर जो है उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। रिफ्लेक्ट करने से क्या हो गया कि अर्थ का टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, और इंक्रीज हो जाता है। फिर ये साइकिल बार 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 रिपीट होता रहता है। ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती रहती है, हीट जो हमारे रेडिएशन के थ्रू जो है वो सन के थ्रू रेडिएशन हमारे अर्थ पे गिरी, देन उनमें से जो हीट के फॉर्म में जो है वापस से क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, तो वो एब्जॉर्ब किसने कर ली, ग्रीन हाउस गैसेस ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, देन उसको वापस से किस पे भेजा, वापस हमारे अर्थ पे उसको क्या कर दिया, वापस अर्थ की तरफ भेजा, तो अर्थ के ऊपर वापस वो जब गई तो उसने क्या किया, अर्थ का टेम्परेचर जो है उसको इंक्रीज किया, देन वही जो हीट हम बोलते हैं ना कि आधी हीट जो होती है वो तो क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है, तो वो एब्जॉर्ब की बार वापस से किसने की, इन्हीं गैसेस ने कर ली, गैसेस ने की, तो वापस से क्या करेंगे, ये अर्थ के ऊपर ही उनको भेजेंगे। इससे क्या होता है, ये साइकिल चलता रहता है और अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता रहता है। तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने को हम ग्लोबल वार्मिंग करते हैं और ये जो साइकिल बार बार में रिपीट हो रहा है इन गैसेस की वजह से, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीजन कौन है, ये एयर पॉल्यूशन ही हमारे ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीजन है। अभी देखिए कितनी कंसेंट्रेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 60%,
मीथेन जो है, मीथेन जो है वो कितनी 20%, N2 है 6% और CFC है 14%। यानी ये ग्रीन हाउस गैसेस की कंसेंट्रेशन अब क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारी चीजें हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी प्लांट, हमारी क्रॉप्स जो है उनका डेवलपमेंट भी इफेक्ट होता है, उनकी ग्रोथ इफेक्ट होती है, एनिमल्स जो है उनका डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इफेक्ट हो रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग वाटर जो है उसके, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको भी वो कम कर रही हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो जो हमारे पोलर रीजन पे बर्फ थी वो भी पिघलती जा रही है, जिसकी वजह से हम नेचुरल कई कंडीशन है, बाढ़ आ जाती है ना। तो ये सब चीज़ें क्यों, इसका मेन रीजन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग ही है। अभी सीजनल वेरिएशन में भी आपको देखने को मिलेगा चेंजेस। आजकल क्या होता है कि समर जो है वो बड़ा लंबा होता है जबकि विंटर जो है वो छोटा होता जा रहा है। रीजन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग ही है उसका एक रीजन। तो ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रही है, एयर पॉल्यूशन की वजह से। फिर आ जाता है डिफॉरेस्टेशन, बार बार लकड़ी को काट रहे हैं, घर के फर्नीचर बना रहे हैं, फ्यूल के फॉर्म में यूज में ले रहे हैं और पेपर बनाने में काम में ले रहे हैं, इंडस्ट्रीज में यूज में ले रहे हैं। तो बार बार पेड़ काटने की वजह से हमारा इकोसिस्टम जो है वो इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन कहते हैं प्लांट को, फॉरेस्ट को काटना। इससे रिलेटेड तीन हमारे पास में जो है वो केसेस हैं। इसमें सबसे पहले केस स्टडी आ जाती है विश्नोईस की। विश्नोईस की केस स्टडी में आता है, ये 1731 की कहानी है। ये कहानी क्या है कि जोधपुर के अंदर, राजस्थान जोधपुर के अंदर विश्नोई समाज की लेडी थी अमृता देवी। एक्चुअल में वहां के राजा ने बोला कि मुझे अपना नया घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए लकड़ियां काट के लेके आओ। जब वो लकड़ी काटने के लिए पहुंचे तो अमृता देवी अपनी बेटियों के साथ में पेड़ से चिपक गई। तो वहां के जब राजा के जो हम बोलते हैं सैनिक आए, तो उन्होंने जब पेड़ काटे तो पेड़ के साथ साथ में उनको भी काट डाला। तो वहीं पे ये आया आपका विश्नोई समाज का, जिसके अंदर खूब सारे विश्नोई समाज के हम बोलते हैं कि सैकड़ों जो है लोग जो है उन्होंने अपनी जिंदगी जो है गंवा दी थी। रीजन क्या था, सिर्फ पेड़ को बचाना, क्योंकि अगर पेड़ कटेंगे तो क्या होगा, हमारी लाइफ जो है वो भी इफेक्ट होगी। इसी के साथ में चिप्पो मूवमेंट आया। चिप्पो मूवमेंट जो है वो कहाँ पे है, गढ़वाल हिमालय का है, ये 1974 का है। ये सेम ऐसे उसी तरीके से ही है कि ट्रीज को बचाने के लिए लोग जो है वो क्या कर गए थे, पेड़ पे जाके चिपक गए थे कि हमें भी काटना पड़ेगा, अगर आप पेड़ को जो है वो काटोगे तो इसको, इसीलिए क्योंकि जाके पेड़ के चिपक गए थे तो इसको क्या बोला, चिप्को मूवमेंट बोला, ठीक है। वही वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए किया गया मूवमेंट है। तीसरा है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। विलेज और ट्राइबल कम्युनिटीज आर बीइंग इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्टेड द डिग्रेड फॉरेस्ट और शेयर बेसिस फ्रूट गम्स रबड़ मेडिसिन। इट इज कॉल्ड जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, GFM इसको बोलते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जो हम बोले विलेज, जो गांव के जो लोग हैं वो, क्योंकि उनको चाहिए क्या होता है, प्लांट से मेन चीज़ें उनको चाहिए होती है, फ्रूट चाहिए होता है, गम्स चाहिए होता है, रबड़ चाहिए होता है। अगर प्लांट जो है वो उनका अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो उनको इन सब चीज़ों की सप्लाई नहीं मिलेगी। तो एक्चुअल में ये प्रोटेक्ट करते हैं उन प्लांट्स को, काटने से रोकते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि इनको उनके प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। तो इसी को हमने क्या बोला, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट बोला है, ठीक है। तो ये जो है ये इस तरीके से कई लोगों ने फॉरेस्ट को बचाने के प्रयास किए, स्टिल ये प्रयास चालू है, लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं होगा डिफॉरेस्टेशन जब तक आप खुद अपने आप से मोटिवेट नहीं होंगे और आप ये पोल्यूशन को जो फैलाने वाले जो कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं, उनको खुद ही आप कंट्रोल नहीं करेंगे। नेचुरल फैक्टर्स जो है उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और वो नेचुरल फैक्टर भी पोल्यूशन को इफेक्ट तभी कर रहे हैं जब हमने पहले क्या किया होता है, उन कंडीशंस को जनरेट किया होता है जिसकी वजह से नेचुरल जो है वो आपदाएं आए, जिसकी वजह से पोल्यूशन जो है वो फैले, ठीक है। तो बेटर क्या है, हमें अपनी ही खुद की एक्टिविटीज पे कंट्रोल करना होगा, तभी ये जितने भी तरह के पोल्यूशन है वो कंट्रोल में आ सकेंगे। तो आज के इस चैप्टर के अंदर इतनी ही सब चीजें हैं, और ये है कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मुझे पता चले आप लोग मेरे साथ साथ में पढ़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।